स्वागत है। मैं आज हर एक व्यक्ति को जो आज के हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, खास तौर पे हमारे चर्च के उन लोगों के लिए जिन्होंने अफगानिस्तान में जो हमारी भाई बहन के जो समस्या में है उनके सपोर्ट के लिए जो कुछ भी सपोर्ट किए हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खास तौर पे हमारी चर्च के बलों से जो डोनेशन हमारी भाई बहनों के लिए अफगानिस्तान में भेजा गया है, उसको भोजन, कपड़ा और ब्लैंकेट वगैरह में खरीदने में इस्तेमाल किए गए, ये उनका इनवॉइस है, उन्होंने भेजा है कि हमारी जो पैसा है उनके पास पहुंच चुका है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको बतलाना चाहूँगा, अभी भी एक टीम, चर्च की टीम ऑलरेडी अफगानिस्तान में काम कर रही है, खास तौर पे क्रिश्चियन ब्रदर्स और सिस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जो सूरत में रहते हैं, जो केव में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं इस समय, और कुछ लोगों को वहाँ से निकालने के लिए भी उनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। किसी ने कोई प्लेन को भी डोनेट किया है ताकि हम उनको निकाल सकें वहाँ से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सब उनके लिए दुआ करते ही रहे। हम आज प्रभु के वचन को सुनने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा, मत्ती के पुस्तक में से, मैं आज का प्रचारक नहीं हूँ, आज का प्रचारक अशिका है, लेकिन उसको आने से पहले मैं छोटा सा ये संदेश देना चाहूँगा। खास तौर पे हम सब दुनिया के बिल्कुल अंतिम घड़ी में रहते हैं और मैं हमेशा आपको अंतिम दिनों की अपडेट्स कर रहा हूँ ताकि आप अपने पैर के ऊपर खड़ा रहे और आप फिसले नहीं ऐसे समय में। मत्ती की पुस्तक में चैप्टर 24 वर्स 4 और 5 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रभु का वचन है, यहाँ पे कहता है हर मसीह के लिए इन दिनों के लिए, लास्ट डेज एंड टाइम्स में क्या होगा। बाइबल यहाँ पे कहती है, वॉच आउट दैट नो वन डिसीव यू। वॉच आउट, परमेश्वर ने सचेत किया है, चेतावनी दिए है दैट नो वन विल डिसीव यू, क्योंकि बिल्कुल अंतिम घड़ी में ये डिसेप्शन जो है ये तो शुरुआत से चल रही है, धोखा देना, लोगों को पागल बनाना, ये शुरुआत से चल रही है, लेकिन इस अंतिम घड़ी में, दिस लास्ट आवर में बहुत बड़ा बड़ा डिसेप्शन आएगा। इसलिए प्रभु हमें चेतावनी देता है इस समय के लिए, खास तौर पर आपको थोड़ा बेसी अपन समझ से समझना है, क्योंकि हम पूरी बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें पूरा बोलने के अलाउड भी नहीं, हम ऐसे दिनों में अब आगे हैं कि हम सब कुछ आपको बतला नहीं सकते। एक ऐसा चीज कि हमारे बीच में ये जो महामारी चल रही है, जो वायरस चल रही है, और इसके साथ में ये जो दवा हम अपने दही में डाल रहे हैं, ये सारी चीजें के पीछे भी एक डिसेप्शन है, एक धोखा है, और ये एक बड़ा धोखा है, क्योंकि ये पूरा दुनिया के ऊपर है, पूरा दुनिया के ऊपर धोखा है। और इतना बड़ा धोखा कि हमें उसके विषय में बोलने की भी उपयोग नहीं है। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, बाइबिल कहती है, वॉच आउट दैट नो वन डिसीव्स यू, फॉर मेनी विल कम इन माय नेम क्लेमिंग दैट आई एम द क्राइस्ट एंड विल डिसीव मेनी। यीशु ने कहा इन दिनों में, इस अंतिम घड़ी में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं ही मसीह हूं और बहुतेरों को भरमाएंगे। फिलहाल जहां तक मुझे मालूम है दुनिया में 10 को मैं जानता हूं, 10 आदमी जो अपने आप को इस समय क्लेम कर रहा है कि हम यीशु मसीह है, जिसको आना था वो आ गया, मैं परमेश्वर के पुत्र हूं, और वो आज यीशु का प्रचार कर रहा है। एक आदमी कहता है मैं यीशु मसीह हूं, और मेरी पत्नी को कहता है ये मेरी मैग्डलिन है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कर रहे हैं दुनिया के कई बड़े बड़े देश में, और चकित की बात यह है कि thousands of लोग उसके पीछे चल रहे हैं, कहते यही मसीह है। ये कैसे thousands लोग है, ये लोग भी मसीह लोग हैं, लेकिन उनके पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ा ही नहीं। यदि हम बाइबल पढ़े तो हम जानेंगे, प्रभु का ज्ञान हमारे में होगा तो हमें कोई भरमा नहीं सकेगा। तो ये लोग जो अपने आप को यीशु मसीह क्लेम करते, ऑलरेडी 10 को मैं जानता हूं, मैं भी उससे बेसी भी होगा,
तो आज ऐसे कोई मसीह आ जाए फिजी में और कहने लगे हम यीशु मसीह है, क्या आप उसके पीछे चलने लगोगे? यीशु ने कहा कोई भी बुलाए कि देखो यहां यीशु मसीह, तुम वहां जाना नहीं, क्योंकि वो आएगा नेक्स्ट टाइम, जब आएगा वो अचानक से आएगा, एक ही सेकंड के लिए आएगा, रैप्चर में अपने लोगों को ले जाएगा, लेकिन जब सेकंड कमिंग हो गया तो हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पे आते हुए, इस पृथ्वी पे चलते हुए नहीं, तुम विश्वास कर लेना कि वो मसीह है। तो ये हमारे बीच में इस समय हो रही है और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोग इनके पीछे आज चल रहे हैं। ना ये तो अपने आप को जो मसीह कहते हैं, बल्कि उसके अलावा भी एक ऐसा डिसेप्शन जो मनुष्य या ऐसे कल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बीच में काम कर रही है, जो लोगों को धोखा दे रही है। यदि हम मती की पुस्तक 4 अध्याय वर्स 5 और 7 से देखें, ये कहानी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब शैतान यीशु के पास आया, जब वो फास्टिंग और प्रेयर कर रहा था और उसे कहता है कि तू कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए क्योंकि तू परमेश्वर है। इस कहानी के आखिरी भाग में आपको बतलाना चाहूंगा, इस जगह पे वचन कहता है, शैतान उससे वचन कोट करते हुए कहता है, लिखा है साम्स 91 में कि तुम यदि गिर पड़े तो स्वर्गदूत तुम्हें उठा लेगा। हाँ तो हाँ, तो वो क्या कहता है यीशु से, वो कहता है तुम इस पहाड़ के ऊपर से कूद जाए क्योंकि वचन में तो लिखा है स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा। तो आप देखिए, वचन में ये नहीं लिखा है कि तुम कूद पड़े, वचन में ये लिखा है यदि तू गिर पड़े तो, उसके मतलब तुम अचानक से स्लिप हो गया तुम्हें स्वर्गदूत बचा लेगा, लेकिन जानबूझ के जब तुम कूदते हैं तो तुम परमेश्वर को टेस्ट करता है, तब तुम्हें नहीं बचाया जाए। तो आप देखिए वही वचन है, वेज वही है, लेकिन उसको कोट करता है, उसको ट्विस्ट करके शैतान, ताकि यीशु को भरमासे को, यीशु को ट्राई किया, जब यीशु को ट्राई किया तो हमारे तुम्हें क्यों नहीं ट्राई करेगा। इसलिए मैं आपको आज चेतावनी देना चाहूंगा, बहुत प्रकार से आज शैतान लोगों को भरमा रहा है और बहुत सारी चीजें हमारे बीच में हो रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में हमेशा यीशु के नाम से प्रार्थना किया जाता रहा, जब उनका प्रोग्राम शुरुआत होता, उनका कैबिनेट बैठता है तो हमेशा वे प्रार्थना करते, प्रार्थना के द्वारा होता था। लेकिन आज जानते हो क्या हो रहा है अमेरिका में, आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में उनका प्रेयर कुछ इस प्रकार से है, इन द नेम ऑफ मोनोथिस्ट गॉड, ब्रह्मा का नाम लेते हैं, गॉड नोन बाय मेनी नेम्स, आमेन, आमेन भी जोड़ते हैं, ब्रह्मा भी जोड़ते हैं, सब जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, सभी को एक साथ में लेके आ रहा है। डिसेप्शन, ये धोखा है, ये सारी चीज हमारे बीच में हो रही है। और पोक ने ये कहा है, जैसे हिंदुस्तानी लोग सब रोज से कहते आए हैं कि सब गॉड एक है, यहां से नदी बहती है, वहां से नारा बहती है, सब जाके वो एक के सागर में मिले, समुद्र में मिले, वो तो बात राइट है, सब जाके वहां पे मिले क्योंकि हमारे बाप ने उसके सृष्टि किया है। लेकिन जब वो कहते हैं सब गॉड एक है, हम उस पर कभी भी अग्री नहीं हो सकते क्योंकि सब गॉड एक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को मैंने देखा, ये मैं और पहले भी बतला चुका हूं, एक आदमी को देखा एक सिरसा पेड़ के ऊपर, वो उसके राइट ट्रॉन में येलो डोरा लपेट रहा है और कुछ बक रहा है, मंत्र बक रहा है। मैंने पूछा क्या कर रहा है भाई, बोले चुप रहो, डिस्टर्ब नहीं करो, मंत्र मार रहा है, हमारा गॉड है। तो उसको हम लोग बोले गॉड, हम सब कोई बोले सिरसा पेड़ भी गॉड है। इसी प्रकार से आज मिलियंस ऑफ गॉड है दुनिया में, लेकिन सब गॉड मिलाए के एक गॉड नहीं हो सके। एक ही गॉड है जो पवित्र है, जिसमें एक ही दाग नहीं है। और जितना भी मिलियंस ऑफ गॉड है, यदि उनके सारे हिस्ट्री को देखे, उनके जीवन को देखे, उनके जीवन में पाप मिलेगा आपको। वो साबित करता कि वे गॉड नहीं है क्योंकि उनमें पाप है, गॉड में पाप हो नहीं सकता है। आज यदि कोई भी व्यक्ति खोज रहा है कहां पे गॉड है, कौन सच्चाई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखें जिसके जीवन, हर एक के जीवन हमेशा देखें, उसके जीवन में यदि पाप ना हो तभी तुम जानेगा। दुनिया में कोई नहीं मिलेगा तुम्हें सिर्फ यीशु को छोड़ के जिसमें एक भी पाप नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पोप फ्रांसिस कहता है कि सभी गॉड एक है, इसलिए हम वन वर्ल्ड रिलीजन बनाएंगे।
वन वर्ल्ड रिलीजन, एक ही रिलीजन, सब मिलके एक ही गॉड की आराधना करेंगे। और उसको कैसे किस प्रकार से होगा वो समय बताएगा, यानी कि वो बहुत ही शीघ्र होने वाली है। दूसरी चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक जूता निकला है, ये बहुत एक्सपेंसिव जूता है नाइकी का, उसमें नाइकी लिखा हुआ है, आप जानते हैं, तो उसमें टिक होता है, आप जान जाए। सो ये जूता नाइकी कंपनी ने डिनाई कर दिया है, वो कहता है ये मैंने नहीं बनाया, वो किसी ने चोरी करके मेरे नाम इस्तेमाल किया है और उसमें ये टिक डाला है, ये मेरा नहीं। तो वो बात हमें मालूम नहीं, क्या नाइकी है कहे कि किसी ने चोरी किया है, बट उसका एक जूता है वो ब्लैक कलर का है और उसके निचले भाग में साइड में रेड है, राइट राउंड रेड है, ऊपर ब्लैक है। और ये गुप्त बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत चौकस रहे, ये जो साइड रेड में है उसके भीतर किसी आदमी का खून है और वो खून शैतान को सेक्रीफाइस किया गया था, तो खून उसमें डाला गया है और उसका किनारा रेड है। और यदि उस जूता के भीतर झांक के देखें, उस जूता के भीतर ये जो फाइव कोना स्टार होती है, जो लोग को टीचिंग मिला हुआ अच्छी तरह समझे, फाइव कोना स्टार है, बीच में रिंग है, साइड में रिंग है, और वो ऐसे ये शैतान का थान है जहां पे इंसान को काट के कुर्बान किया जाता है, उसका साइन उसमें बना हुआ है। दूसरी चीज उसके भीतर 666 नंबर लिखा हुआ है और शैतान का मूड बना हुआ है, शैतान का मूड जैसे एक बकरा का मूड है, बकरा का मूड एवरी टाइम शैतान के मूड रिप्रेजेंट करे, तो बकरा का मूड है और उसमें 666 लिखा हुआ है। और फिर उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल हमेशा इल्यूमिनाटी की, आपको जो जिनको मैं इल्यूमिनाटी के विषय में बतला चुका हूं वे समझ रहे हैं, इल्यूमिनाटी के ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में एक आंखी है और वो लूसिफर की आंखी है। सो ये सारी चीजें है, लेकिन उनके साथ में बाइबल का एक वेज लिखा है बुक ऑफ लुक में से, प्रेज द लॉर्ड, ताकि क्रिश्चियन लोग बाइबल के वेज देख के खरीद ले और अपने घर पे ले जाए, अपने पैर में पहने और शैतान को पूरा राइट्स मिले उनके डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये जूता थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बेचा रहा है, लेकिन फिजी अभी हमारे ख्याल से शायद नहीं पहुंचा है, कुछ दिन में आएगा। तो मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, बहुत प्रकार के धोखा आज हमारे बीच में हो रही है, आपको बहुत ही चौकस होना है। और ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप्स जिसके विषय में मैं आपको कुछ रोज पहले से बतलाते आया, ये इल्यूमिनाटी जो इंसान को काट के चढ़ाते हैं, ये इनकी जो संख्या है बहुत बढ़ गई है, दुनिया भर में फैल चुकी है। और ये लेटेस्ट न्यूज है कि इल्यूमिनाटी फिजी भी पहुंच चुका है। नाउ आपको मैं इससे चेतावनी देना चाहूंगा, इनके बेस फिलहाल सुबह में है और ये अपना काम को शुरू कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही चालाकी से इल्यूमिनाटी, ये तीन चीज याद रखे, इल्यूमिनाटी, सेक्रेट सोसाइटी, न्यू एज मूवमेंट, ये तीन एक ही प्रकार से काम करते हैं, ये तीन प्रकार के ग्रुप है, लेकिन ये सब ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला है। और आज जो वर्ल्ड लीडर्स लोन है, दुनिया का जो लीडर्स लोन है, बड़े बड़े लीडर्स जो दुनिया संभाल रहे हैं, ये सब इल्यूमिनाटी के साथ में, क्योंकि इल्यूमिनाटी उनको कुछ कुछ चीज ऐसा ऑफर करता है जो इंसान मांगे। पहला चीज इल्यूमिनाटी एवरी टाइम तुम्हें पैसा दे के बारे में बात करी, तुम्हें धनवान बने, मिलियंस ऑफ डॉलर तुम्हें दे, लेकिन स्ट्रेट वे नहीं, एक के लागे नहीं दे, छोटा से शुरू करी, ये लोग ऑलरेडी पैसा दे ला काम करे लगा है सुबह। सो कई लोग उनके भरम में आते हैं, वो कहते हैं तुम यदि $60 दे हम तुम्हें $500 देगा, तुम तीन और के लेके आए ज्वाइन कर, उसके बाद में तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफर कर, और लोग पैसा मांगे। दूसरी चीज इल्यूमिनाटी बोले तुम कितना औरत मांगता तुम्हें देगा, जितना औरत मांगे दे, कितना आदमी मांगता सब मिली तुम्हें, 100, 100, 1000 कितना, यही तो मांगे आज पापी संसार, तो वही उन्होंने ऑफर करे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये शैतान का डिसेप्शन है और यही लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं।
जो आज हमारी देश में भी है और आपको मैं चेतावनी देना चाहूंगा, ये दुनिया भर में फैल चुके हैं और ये जो एंटीक्राइस्ट गवर्नमेंट आई है ये सब इलिमिनाटी के द्वारा ही होगा। ये सारी चीजें इलिमिनाटी क्रिएट कर रही है। जो वायरस भी फैला है एक है, कौन किया है? मनुष्य ने किया है। लोग सब बोलते चाइना ने किया, लेकिन कोई चाइना के ऊपर एक्शन नहीं लेता है। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि सब मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको बहुत ही चौकस होना है। और एक मिनिस्ट्री शुरुआत हुआ है थोड़ा रोज पहले, जैसे मैंने पिछले हफ्ते तो आपको चेतावनी दिया, लास्ट वीक आपको बताया कि थाइट की विषय में ये लोग कहते हैं, ये भी इंसान को सुनो, एवरी टाइम ये जो कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है मनुष्य को सेटिस्फाइड करता है, मनुष्य को खुशी देता है ताकि लोग उनके फॉल्स डॉक्ट्रिन में आ जाए। बहुत साथ से ये टाइप्स के ऊपर प्रचार करते, एक चर्च है वह परमेश्वर के वचन प्रचार करते हैं, लेकिन कहते हैं लोगों से तुम्हें टाइट्स नहीं देना है, टाइट देने की कोई जरूरत नहीं, वो ओल्ड टेस्टामेंट में था। मैंने आपको इसके विषय में लास्ट वीक में बतला दिया, सो हम इसके और गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन रीजन क्या है, जब आदमी के बोले तुम्हारे चेच आएगा तुम्हें टाइट्स नहीं देख पड़ी, आदमी सोरे बड़ा जुलूम चेच है ये, हमारे इतना पैसा और बची, लेकिन नहीं पता है वो तुम्हारे जेब फिर खाली होगी, बिकॉज तुम गॉड से कवनेंट तोड़ देगा। सेतन का अलग चीज लेके आए, एक तो इजी से आदमी उसके बगल आ जाए, सब अपन असली चेत छोड़ के उनमें चला जाए कि टाइट्स में देख पड़े। तो दूसरा चीज क्या हो जाए, बाइबल कहता है कि गॉड विल नॉट रिब्यूक द डिवोर फॉर यू, तो सैतान के लिए डोर खुलिए, जब तुम टाइट्स नहीं देगा तो सैतान के लिए डोर खुला है, तुम्हें डिस्ट्रॉय करे कुछ। तो इसी प्रकार से सैतान बहुत रकम से काम कर रहा है, आपको बहुत चौकस होना है, हमारे बीच में बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कोई भी मसीह, कोई भी चर्च मेंबर, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा टीचिंग आए तुम्हें एकदम लगे कि एकदम राइट बोले, तुम्हें बाइबल के वेस पढ़ के बताइए यहां पे लिखा है, देखो तुम रॉन्ग है, आप क्या इतने ही बात में भाग जाएगा? आपको उसको सच करना है, उसको गहराई में जाना है, सीधा ही नहीं कि आप सुन ले, आप जाए अपने पास्टर के पास और पास्टर से पूछे उसके विषय में, ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास कोई आए और बुक ऑफ हिब्रूज में से पढ़ के बताए, एक जगह पे चैप्टर 4 में बताए कि सबद डे सरडे है, सो वो बताए, ये ग्रुप बताए कि तुम सरडे के बाद वोशिप करो, जो सरडे चेच जाए वही खाली है बन जाए, संडे चेच चला लो सब हेल जाए। This is what they preach. और आज कई संडे चर्च वाले लोग ने वो वाला स्क्रिप्चर पढ़ के और उनके पीछे पीछे चले, लेकिन बाइबल में लिखा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन लोग उसके अंदर में नहीं जाके देखे, आपको उसकी हिस्ट्री में जाके देखना। ये जो सबत है ये परमेश्वर ने इज़राइलिटीज को दिए थे इज़राइल के लिए, और आज जब संडे हम यहां प्रचार करता है इज़राइल में आज सबत है, वहां सैटरडे या संडे फ्रीज हो, तो वो जो सैटरडे यहां करे तो वो तो फ्राइडे रहे, तो हम लोग तो ऑलरेडी मिक्स हो जाए। इसलिए प्रभु ने उस कमांडमेंट को बटोर के एक बनाया, बाइबल कह दिया है लव, यदि तुम्हारे में लव है तुम पूरा कमांडमेंट पूरा करता है। इसलिए बाइबल न्यू टेस्टामेंट में सब कुछ बदला है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में जो जेंटाइल्स है उनके लिए ग्रेस आया है, अनुग्रह आया है, और जो ओल्ड टेस्टमेंट था कमांडमेंट जब था जो प्रभु ने दिया था वो जीविस को दिया था उसने, प्रेज द लॉर्ड, वो कमांडमेंट्स अभी भी जिंदा है, हमें उसे पालन करना है, लेकिन हम उसको संडे के रूप में पालन करें, प्रेज द लॉर्ड, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। फिर बाइबल हमें बुक ऑफ कोलोसियंस में साफ कहती है तुम क्यों रोज के ऊपर तारा करो विरुद्ध करते हो, सभी रोज को परमेश्वर ने बनाया, सभी रोज तुम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, एवरी डे यू कैन वर्शिप गॉड, एवरी डे यू कैन हैव सर्विस, प्रेज द लॉर्ड, तो सब कुछ एक कर दिया गया। तो इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें जो हम आपको न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट सभी में से साबित कर सकता हूं। तो कभी आपको कोई बाइबल में से भी पढ़ाई के भरमाने नहीं पाए, यदि आप नहीं समझे आप जाए अपने पास्टर के पास, क्योंकि प्रभु ने पास्टर को वो सभी चीज की जानकारी दिया है, तब तो उसको पास्टर बनाया है ताकि वो आपको हेल्प कर सके। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आप डिसीव नहीं हुए, बहुत सारी चीजें हो रही है। इंडिया के TV9 न्यूज ने इस सप्ताह में न्यूज में यह कहा है कि अफगान में ये जो क्राइसिस है, ये जो लड़ाई चल रही है, तालिबान की कहानी जो हो रही है, इसको कैसे सुलझाई जाए।
तो इंडिया टीवी 9 न्यूज चैनल ये कहते हैं इसका जो सलूशन है वो एक ही है इसको सुलझाने के लिए, क्योंकि ये जो क्राइसिस है ये सके थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाए और फिर बहुत भारी मुसीबत दुनिया में आएगी, तो इसको कैसे सुलझाया जाए। उन्होंने कहा वी नीड वन वर्ल्ड लीडर, यदि हमें वन वर्ल्ड लीडर मिल जाए ये सभी चीज का सलूशन हो जाएगा। ना ये लोग नहीं जानते, हम और तुम कितना साल से वन वर्ल्ड लीडर के विषय में बातें करते हैं, ये लोग जानते ही नहीं रहा, लेकिन अभी इस पे बात करें, लेकिन ये लोग नहीं जाने कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या वो शांति लेके आएगा वास्तव में थोड़ी रोज के लिए, लेकिन उसके बाद में उपद्रव को लेके आएगा उन्हें नहीं मालूम। फिर उसके बाद में रिपब्लिक भारत टीवी न्यूज उसने कहा कि ये सारी समस्या जो दुनिया में हो रही है, ये वायरस, ये वैक्सीन, ये लड़ाई, ये झगड़ा, देश देश में मार काट, एक दूसरे के ऊपर वार की जा रही है, इन सभी चीज का सलूशन क्या है। और उन्होंने कहा वी नीड वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, हमें दुनिया में एक ही गवर्नमेंट की जरूरत है। एक गवर्नमेंट जब आ जाए दुनिया में तो सब कुछ साफ हो जाए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चर्च हम और तुम एक ऐसे समय में रहते हैं कि हमारी आंख के सामने बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, लेकिन इन सभी चीज के बीच में खुशी के बात ये है, हम और तुम कठिन समय में जा रहे हैं। अब चर्च भी खुलने वाला है, लेकिन इसमें भी कानून लगाई जाएगी, मास्क पहन के बैठना है, 2 मीटर डिस्टेंस होना है, जिसको डबल जेब नहीं हो नहीं सके आए, वगैरह वगैरह। तो आप देखिए कितना भारी रुकावट और बाधा आ रही है, लेकिन अब ये बाधा बढ़ता ही जाएगा, चर्चेस के ऊपर जस्ती मुसीबत आएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज हम आपको ऑनलाइन मैसेज देता है, ना जाने कल से सरकार वो भी रोक दे तो तुम क्या करेगा, क्या तुम्हारा आत्मिक जीवन का आग जो है वो बुझ जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस एंड डेज में शैतान को मालूम है रक्षा होने वाला है, और वो मांगे जितना हो सके सब, जितना क्रिश्चियन छूट जाए वो मांगे सबके छोड़ दिया, नहीं मांगे कोई भी रक्षा में जाए। इसलिए अनेक से प्रकार के कानून आ रही है ताकि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ वो फीका पड़ जाए, जिसमें कि हम रक्षा के समय में रक्षा मिस कर दे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा आज शायद दुनिया के सरकार है चर्च सर्विस को रोक दे, आपको चर्च में एंट्री रोक दे, चर्च चलाने के रोक दे, ऑनलाइन रोक दे, ये सारी चीज रोक दे, लेकिन आपको अपने घर में प्रार्थना करने से कोई नहीं सके रोके, आपको अपने घर में प्रभु को प्रेज और वर्शिप करने से कोई नहीं सके रोके, आपको शायद ये वचन मिलना बंद हो जाए अचानक से, लेकिन आप स्वयं बाइबल में प्रभु का वचन को पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं हम एक ऐसे समय आपको बहुत ही मजबूती से खड़ा होना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाला है। वो दिन नहीं आएगा हमारे ऊपर कि एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा और मसीह लोग के गटई को काटेगा, वो दिन आने वाले, लेकिन उनके लिए नहीं जो अभी तैयार है, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह आता अपने दुल्हन को ले जाए के लिए, वो गटई कटा हुआ दुल्हन के नहीं ले जाए उससे आएगा, वो पूरा अच्छा दुल्हन को ले जाएगा जिसमें एक भी दाग ना हो। तो ये गुड न्यूज है। प्रेज द लॉर्ड, आज एक और एक लोग भी फंसे हुए, कुछ कुछ लोग कहते नहीं हमें जाना होगा इस ट्रिबुलेशन में, ये पीड़ा सहना होगा, कटाई कटाना होगा, तब रक्षा होगा, एकदम एंड में 7 ईयर्स ट्रिबुलेशन में एंड में होगा। मैं इसके विषय में और डिटेल्स आपको मैं भी नेक्स्ट टाइम आपको देगा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके रैप्चर पहले होगा तब 7 ईयर्स ट्रिबुलेशन शुरुआत होगा। प्रेज द लॉर्ड, तो ये आज हमारे लिए खुशी की बात है, और रैप्चर का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ना जाने हम नेक्स्ट संडे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको उत्साहित करे, और इस समय हम आज शिक्षक को बुलाना चाहेंगे जो हमारे बीच में प्रभु के वचन को बांटेंगे। मसीह की जय। आज मैं इस समय परमेश्वर को फिर से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि एक बार फिर से मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आप सभी के बीच में बांट सकूं। इस समय मैं आज आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जितने लोग ऑनलाइन व्यूवर्स जो हमारे रिवर ऑफ लाइफ चर्च गलेशिया के मेम्बर्स हों, और जितने भी लोग आज बाहर देश से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज सभी को प्रभु के नाम से आशीष मिले। हालेलुया। इस समय वचन में जाने से पहले मैं छोटे से प्रार्थना करूंगी। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद ओ यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, हमारे पिता। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देता इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए परमेश्वर, सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर जो आपने दिया हमारे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे इस जगह पे हम खड़े हैं मेरे नाथ प्रभु, अपने शक्ति अपने बल से प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता, क्योंकि हम एक गर्दा है हमारे परमेश्वर पिता। आज हम यही दुआ करता, पवित्र आत्मा तू हमारे साथ में हो जा हमारे प्रभु। आज हमारे जबान को तू ले ले प्रभु, हमारे हृदय मन को तू खोल दे हमारे परमेश्वर, हमारे नाथ पिता। आज उस जीवित और जिंदा वचन हमारे प्रभु आज अपने बच्चों के बीच में हम बांटे हमारे परमेश्वर पिता। आज हर एक कानों को, हर एक हृदय को खोल दे हमारे परमेश्वर पिता। आज जिन जिन लोगों को प्रभु आज एक वचन की जरूरत है हमारे परमेश्वर पिता, आज एक एक हृदय को हमारे परमेश्वर तू बढ़ के छू ले हमारे प्रभु। आज हम ये प्रार्थना करता हमारे प्रभु, आज इस वचन को अपने जीवन को, और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स लोग प्रभु आज इस वचन को सुनेंगे हमारे परमेश्वर, हर एक हृदय मन को यीशु अपने लहू के नीचे तू ढांप ले परमेश्वर पिता, ताकि वचन के द्वारा प्रभु हर एक जीवन हमारे प्रभु काटे छाटे जाए परमेश्वर, और तुम्हारे राज के लिए तैयार किया जा सके हमारे प्रभु पिता। आज के वचन को, इस सभा को यीशु हम तेरे हाथों में रखता यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। सबसे पहले धन्यवाद फिर एक बार फिर से दिन के लिए, सुबह के लिए परमेश्वर ने हम सबको दिया। आज हम सब जीवित है ये प्रभु की अनुग्रह है, हालेलुया। दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इट, हालेलुया। आज हम सब प्रभु में खुश है, आनंदित है, हालेलुया। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दे, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। इस समय मेरा वचन का शीर्षक है हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाओ, हालेलुया। हम जानते हैं मसीह जीवन में सबसे कठिन काम है अपने आप को नरम बनाना, अपने आप को दीन बनाना, हालेलुया। हम जानते हैं हम सब मनुष्य हैं, हम बोलते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है बड़ा कठिन पड़ता है, हालेलुया। लेकिन वचन यह साफ कहता है कि हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, हालेलुया। जेम्स 4:6 में कहता है वह हमें अनुग्रह देता है, हालेलुया। प्रभु हमें अनुग्रह देता है। आज जैसे हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हम छोटी से छोटी चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि एक एक चीज प्रभु हमारे लिए करता है जो यीशु का अनुग्रह है, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोधी है, जबकि दीन जनों पर परमेश्वर अपने अनुग्रह को दर्शाता है, हालेलुया। आज जो लोग घमंडी है, आज जो लोग घमंड करते हैं, अपने आप पे घमंड करते हैं, वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों के विरोध में है, हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने आप को दीन करते हैं वही अपने अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह है प्रभु अपने बच्चों पर दर्शाता है। और फिर यहाँ पे जेम्स 4:10 कहता है प्रभु के सामने दीन बनो ताकि वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। तो कलेशिया आज हम लोग सब प्रभु के सेवा करते हैं, नाना प्रकार से प्रभु के सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज हम लोग के हृदय को जानता है कि किस तरह से हम लोग प्रभु की सेवा करते, कि आज हम घमंड में होके प्रभु की सेवा करते, जब प्रभु की सेवा करते क्या हमारे अंदर में प्राइड हो जाता है, हालेलुया। आज अगर हम कोई भी काम करते हैं, हम वर्शिप टीम में खड़ा होकर गीत गाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हालेलुया, हम काउंसलिंग करते हैं, जो भी दान आज परमेश्वर अपने बच्चों को दिया है क्या आज उसको हम नरमता और दीनता के साथ में करते हैं या घमंड के साथ में करते हैं, हालेलुया। वचन यह साफ कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो ताकि प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर प्रोस्पा करेगा, कब, जब हम अपने आप को दीन बनाए, हालेलुया। वचन ये साफ कहता है। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि एक मसीह होने के द्वारा हमारे जीवन में नम्रता और दीनता होना बहुत जरूरी है, तब ही हम लोग परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, तब ही हम मसीह लोग उसके सेवकाई को कर सकेंगे, जब अपने आप को हम नम्रता और दीनता बनाने में सफल होंगे, हालेलुया। इस समय हम लोग वचन को देखेंगे बुक ऑफ लूक से चैप्टर 14:7-11 तक। यहाँ पे हमें वचन ने कहता है क्योंकि यीशु ने यह देखा कि अतिथि जन अपने लिए बैठने को कोई समान पूर्ण स्थान खोज रहे थे, तो उसने उन्हें एक दृष्टांत कथा सुनाई। कलेशिया हम हमेशा ये देखते हैं कि वचन में जब परमेश्वर अपने डिसाइपल से बातें करते थे, हमेशा वो पैराबल के द्वारा बात करता रहा, हालेलुया। स्टोरीज के द्वारा अपने डिसाइपल्स को यीशु मसीह सिखाता था, समझाता था, ताकि वो अच्छी तरह से समझे और सीखे। उन्होंने कहा जब तुम्हें कोई विवाह भोज पर बुलाए तो वहां किस
किसी आदर पूर्ण स्थान पर मत बैठो, क्योंकि हो सकता है वहां कोई तुमसे अधिक बड़ा व्यक्ति उसके द्वारा बुलाया गया हो। फिर तुम दोनों को बुलाने वाला तुम्हारे पास आकर तुमसे कहेगा, अपना यह स्थान इस व्यक्ति को दे दो। हालेलुया। और फिर लज्जा के साथ तुम्हें सबसे नीचा स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। सो जब तुम्हें बुलाया जाता है तो जाकर सबसे नीचे का स्थान ग्रहण करो, ताकि तुम्हारा बुलाने वाला आकर तुमसे कहेगा कि हे मित्र उठ ऊपर बैठ जा। हालेलुया। फिर उन सब के सामने जो तेरे साथ महा अतिथि होंगे तेरा मान बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। हालेलुया। तो कलेशिया आज हम लोग देखता है वचन से हम लोग के यही सीखने के मिले कि जो कोई अपने आप को नीचा बनाएगा परमेश्वर उसे ऊपर उठाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं ये कहानी से प्रभु हमें यही सिखाता है कि आज हम किसी भी सभा में जाए, कहीं पर भी जाए, हम हमेशा ये कोशिश करें अपने आप को नीचा बनाने के लिए। हालेलुया। जैसे कहानी हमें यह बताता है कि जो व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था वो जाके सबसे बड़ा स्थान पर अगर बैठ गया है, और मान लो कि बुलाने वाला व्यक्ति अगर उससे जो तुम्हें दोनों में से बुलाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को उस जगह पे आमंत्रित किया कि उस जगह पे वो जाके बैठेगा, अगर मान लो तुमसे कोई और बड़ा व्यक्ति आ गया उस जगह पे वीआईपी सीट उसका रखा गया है, और तुमसे आकर वो बुलाने वाला कहेगा है कि ए मित्र इस स्थान को छोड़ के तू जाके इस जगह पर बैठ जा, नीचा दर जगह पर जाके बैठ जा, तो क्या होगा कलेशिया? वचन ने कहता है कि उस समय उस लोगों के सामने हम लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे। हालेलुया। तो ये वचन से आज हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अगर हमें कहीं पर भी निमंत्रण मिले, हम मसीह होने के नाते हम हमेशा नीचे जगह को खोजे। हालेलुया। क्योंकि वचन ये साफ कहता है जो कोई अपने आप को नीचा बनाएगा यीशु उसे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो आज कलेशिया हम मसीह लोग, हम लोग हमेशा कहीं पर भी जो कुछ हम लोग के जीवन में आए, कहीं पर भी हम लोग जाए, हमेशा हम लोग ट्राई करें छोटा बनने के लिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने भी छोटा बनाता। हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमें यही सिखाता है कि हमेशा हम लोग ट्राई करें एक दास बनने के लिए, एक सेवक बनने के लिए, एक छोटा व्यक्ति बनने के लिए। जब हम लोग अपने आप को नम्र करता है, छोटा बनाता कलेशिया, क्या होता है? यीशु मसीह हम लोगों को ऊंचा उठाता है, वो जगह लेके जाके बिठाता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ये जगह आपने तैयार करके हम लोगों के लिए रखा था, हम सोच भी नहीं सकते कलेशिया। तो एज अ क्रिश्चियन हम लोग हमेशा यही समझे, यही सीखे, यही सोचे कि कहीं पर भी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले है, हम लोग नहीं ट्राई करें कि हमेशा हम लोग आगे जाकर बैठे या हमेशा हम लोग दिखाई दे ताकि हमारा नाम ऊंचा उठाने निकले। हमेशा एज अ क्रिश्चियन हम मसीह लोग नीचे बने, नरम बने, दीन बने, ताकि परमेश्वर उठा के हम लोग को ऊंचा स्थान पे लेके जाएगा। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 11:2 कहता है, अभिमानियों के संग ही अपमान आता है, किंतु नम्रता के साथ विवेक आता है, यानी बुद्धि विजडम आता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। जो लोग अभिमान करते हैं उनके साथ में हमेशा अपमान आता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग नम्रता के साथ आता है परमेश्वर क्या करता है? उनको बुद्धि देता है। कलेशिया, जब हम लोग अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, परमेश्वर हम लोग को क्या करता है? अपना विजडम देता है, अपना नॉलेज, अपना गाइडेंस देता है। कब देता है? जब हमारे अंदर में किसी भी तरह की घमंड नहीं आएगा, किसी भी तरह की अभिमान हम लोग के अंदर में नहीं आएगा, तब कलेशिया परमेश्वर हम लोग को बुद्धि देगा, विवेक से भरेगा। हालेलुया। एक मसीह होने के नाते आज हम सभी लोग अपने जीवन में आज आशीष देखते हैं, प्रभु के अनुग्रह देखते हैं। आज परमेश्वर ने हम सबको बचाया है, आज परमेश्वर ने हम सबको नया जीवन दिया है। हालेलुया। अपने सम्मान बनाया है। हालेलुया। उद्धार दिया है, आज हम सबको आनंदित किया है, कृपा दिया है। आज परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना सुनता है। तो आज इससे बढ़ के क्या है? आज हम किस बात की घमंड करें कलेशिया? किस बात पे घमंड करें? आज हम घमंड करें तो इस बात पे घमंड करें कि आज हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। इस बात पे घमंड करें कि आज परमेश्वर ने हम सबको ज्योति में लाया, अंधकार से निकाला। एक समय था जब कलेशिया हम लोग अंधकार में डूबे हुए थे। हालेलुया। उस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था, लेकिन
लेकिन परमेश्वर ने आज हम लोग को बचाया है और लाके अपने अनुग्रह के द्वारा इस जगह पे आज हम लोग को परमेश्वर ने खड़ा किया। तो आज हम लोगों के बीच में बैठे कलेशिया हम लोग एक बात की घमंड करें कि आज हम लोग यीशु को जानते हैं। उस चीज पे घमंड ना करें जो कि पृथ्वी की चीज है, अपने धन पे, अपने पैसा पे, अपने गाड़ी पे, अपने घर पे हम लोग घमंड नहीं करें, लेकिन आज अपने हाथ उठा के यही कहे कि धन्यवाद प्रभु, आज हम लोग आपको जानते हैं। हालेलुया, आज यही काफी है कलेशिया। हालेलुया। और यहाँ पे जैसे कहता है, क्योंकि हम अभिमानी है और हमारे स्वार्थी तरीके से क्रूस के रास्ते में आ जाते हैं। कलेशिया, आज हम जानते हैं जो क्रूस जो परमेश्वर ने हम लोग के लिए सेक्रीफाइस किया है, लेकिन वो सेक्रीफाइस के बीच में क्या होता है, घमंड आ जाता है। हालेलुया, आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हम लोग के लिए मारा गया परमेश्वर को, हम लोग के लिए गाड़ा गया परमेश्वर को, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा ताकि आज हम लोग जीवन पा सके। हालेलुया, बहुत तायक के जीवन पा सके, लेकिन क्या होता है, यीशु के रास्ते में आते आते हम लोग उस क्रूस को देखना छोड़ देते। हालेलुया, हम लोग क्या करते, अपने चीजों के पर फोकस करने लगते। हालेलुया, आज हम लोग को परमेश्वर जो कुछ दिया है, जो आशीष दिया है, आज हम लोग उस चीजों के ऊपर घमंड करने लगते। हालेलुया, तो यीशु ये कहता है कि आज हम लोग ये चीज के ऊपर से मुंह फेर दे। हालेलुया, आज हम लोग के बीच में कोई भी ऐसे चीज बाधा नहीं बनना चाहता है जो चीज हमें यीशु के क्रूस को देखने के ओर से रोक सके। फिर हम लोग यहाँ पर और एक कहानी देखेंगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 9 से 4 से लेके फिर यहाँ पर हमें पैराबल मिलता है। फिर यीशु ने उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को तो नेक मानते थे और किसी को कुछ नहीं समझते थे या दृष्टांत कथा सुनाई। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यीशु फिर से पैराबल के द्वारा अपने डिसिपल से बात करता। हालेलुया, वचन ने कहता है कि परमेश्वर बताए कि अपने जो लोग अपने आप को नेक मानते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते। अपने आप को नेक मानना यानी कि अपने आप में घमंड करना, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे लोगों को अपने नजर में छोटा देखना, गिराना। हालेलुया, तो हम देखते हैं वचन में यहाँ पर क्या कहता है। वचन ने कहता है कि मंदिर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा एक कर वसूलने वाला। हालेलुया, हम लोग यहाँ पर देखता है दो व्यक्ति के विषय में, एक जो फरीसी था और दूसरा जो टैक्स कलेक्टर। हालेलुया, अगर हम लोग फरीसी के जीवन बाइबल में देखें, हालेलुया, फरीसी लोग जो है बाइबल स्कॉलर्स है, जो पूरा बाइबल को जानते हैं। हालेलुया, जेनेसिस टू रेवलेशन फरीसी लोग जानते हैं, लेकिन फरीसी का जो जीवन हम लोग देखते हैं वचन में, हमेशा वो चाहते हैं कि लोगों का जो ध्यान है, लोगों का नजर है, हमेशा उनके ऊपर टिका रहे। हालेलुया, फरीसी लोग हम लोग देखते हैं हमेशा कंप्लेनर होते रहे, जो हमेशा कुड़कुड़ाहट करते रहे, कंप्लेन करते रहे। हालेलुया, और एक टैक्स कलेक्टर के जीवन जो हम लोग देखता है, टैक्स कलेक्टर जो एक पापी व्यक्ति है। हालेलुया, तो वचन यहां पे कहता है, हम लोग पहला प्रार्थना सुनेगा कि फरीसी किस तरह से यहां पर प्रार्थना करता है। वह फरीसी अलग खड़ा होकर या प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के जैसा डाकू, ठग और व्यभिचारी नहीं हूँ और ना ही इस प्रकार इस कर वसूलने वाला जैसा हूँ। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूँ और अपनी समुच्ची आय का दसवां भाग तुझे दान में देता हूँ। हालेलुया, ये एक फरीसी का प्रार्थना है। या क्या करता है कलेशिया, ये अलग से खड़ा होकर, क्यों अलग खड़ा होता है, क्योंकि ये जानना चाहता है इसका जो मांग है कि लोग जहाँ पर खड़े हैं वो उसका नजर इसके ऊपर पड़ जाए। हालेलुया, कि लोग सिर्फ इनको देखे, सभी को छोड़ के लोगों का ध्यान इसके ऊपर आ जाए कि ये क्या बोलता है और क्या प्रार्थना करता। हालेलुया, तो ये केवल प्रार्थना करता है कि धन्यवाद परमेश्वर, कि बोले कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ। ये क्या करता है, ये अपने जीवन से दूसरों की तुलना करता। हालेलुया, ये अपने आप को बड़ा समझता है। हालेलुया, ये कहता है कि परमेश्वर, मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ, मैं इस कर वसूलने वाला जैसा नहीं। हालेलुया, ये क्या करता है, प्रार्थना में केवल अपने आप को लिफ्ट करता है, ये नम्र और दीन नहीं बनता यीशु के सामने। ये क्या करता है, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है ताकि जो लोग है, जो प्राउड है, उनका नजर, उनका ध्यान ये फरीसी के ऊपर पड़े कि ये क्या कहता है, ये क्या बोलता है। हालेलुया, और हम लोग दूसरी प्रार्थना सुनेगा, जो टैक्स कलेक्टर जो सीना है, ये व्यक्ति किस प्रकार से प्रार्थना करता है। ये कहता है, वो टैक्स कलेक्टर कहता, किंतु वह कर वसूलने वाला जो दूर खड़ा था और यहाँ तक ईश्वर की ओर अपनी आंखें तक नहीं उठा रहा था, अपनी छाती पीटते हुए बोला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर
दया कर। ये एक पापी, एक टैक्स कलेक्टर का प्रार्थना है। कलेशिया ये क्या करता है, प्रभु के सामने जाता है, ये अपने नजर को स्वर की ओर भी नहीं उठा पाता। हालेलुया, ये अपने छाती पीटता है, रोता है और ये कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, ये अपने आप को नम्र और दीन बनाता है कलेशिया। तो आज इस प्रार्थना से, आज ये दो व्यक्ति किस प्रकार से प्रार्थना किया, आज इस प्रार्थना से भी हमें यही सिखाता है कि हम नम्र और दीन बने। हालेलुया, आज हम भी यीशु के सामने जाए, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, आज हम देखें कि हम कहां थे और प्रभु ने आज हम सबको कहां रखा है। एक समय था जब हम लोग पाप में थे, हमारे जीवन में गुनाह था। हालेलुया, ये एक टैक्स कलेक्टर की तरह, एक सीना की तरह हम लोग भी पापी थे। आज परमेश्वर ने हम सबको बचा के उस अंधकार से निकाला, नया जीवन में लाया। हालेलुया, तो आज हम सब प्रभु के सामने जाए कलेशिया, नर्म बन के, दीन बन के, अपने आप को छोटा बनाते हुए हम लोग भी इस तरह से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज भी हम लोग पापी हैं, आज भी संसार में रहते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर हम लोग को क्षमा कर दे। हालेलुया, फिर वचन यह कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ यही मनुष्य नेक ठहराया जाकर अपने घर लौटा, ना कि वह दूसरा। हालेलुया, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा समझेगा उसे छोटा बना दिया जाएगा, और जो अपने आप को दीन मानेगा उसे बड़ा बना दिया जाएगा। हालेलुया, तो हम लोग देखता है आज की कहानी से भी, जो पापी रहा, जो टैक्स कलेक्टर रहा, उसने अपने आप को नम्र और दीन बनाया और उसी का दुआ स्वीकार किया गया। हालेलुया, उसी का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। हालेलुया, तो क्या मतलब आज हम लोग के पास सब कुछ है, आज हम लोग के पास है धन है, दौलत है, सब चीज है, लेकिन आज हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, हमारे जीवन में प्राइड आ जाता है कलेशिया। तो वचन ने कहता है कि परमेश्वर घमंडी लोगों के विरोध में है। आज भले कलेशिया हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में नम्रता है, दीनता है, हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं, आज हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, तो आज हम लोग यही मांगे जाने, वचन से हम लोग यही सीखता है कि यीशु मांगे हम लोगों को अपने जीवन को हमेशा छोटा देखे, हमेशा छोटा देखे। हमारा यीशु इतना बड़ा परमेश्वर था, हालेलुया, लेकिन उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया। हालेलुया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को जीरो बना दिया। हमारा यीशु पूरा खजाना से भरा हुआ था कलेशिया, लेकिन उसने अपने आप को जीरो बना दिया, एक शून्य बना दिया कलेशिया। लेकिन आज हम मनुष्य लोग, आज हम लोग थोड़े से भी जान जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोगों के नजर में हम लोग सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। हालेलुया, आज हम लोग यही खोजते हैं जहां भी जाए लोग हमें देखे, लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारी महिमा करें, लेकिन नहीं, आज हम लोग यही मांगे जाने कि हम लोग हमेशा छोटा बनना सीखे। कहां पर भी जाए हम लोग, जो कुछ भी करें, हम लोग मांगे जाने कि हमेशा, आज हम लोग की किसी भी चीज का मौका ना मिले, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर की तरह एक सेवक बन जाए कलेशिया, एक दास बन जाए, छोटा बन जाए, ताकि समय आने पर यीशु अपने बच्चों को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, जैसे यहाँ पर कहता है कि विनम्र जीवन एक शिष्य का एक हिस्सा है जो स्वयं प्रभु का आदेश है। परमेश्वर का ये आदेश है कि परमेश्वर के बच्चे लोग अपने आप को नम्र और दीन बनाए। हालेलुया, और यहाँ पे कहता है कि प्रभु के सामने विनम्र होने वाले को एक इनाम है। जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाते हैं, दीन करते हैं, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर के पास है। हालेलुया, जैसे कि पतरस कहता है कि जोर देकर कहते हैं कि हम प्रभु के हाथ में विनम्र होते हैं, ना कि इंसानों के सामने। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर के हाथ में विनम्र होते हैं, मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन यीशु के सामने हम लोग विनम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं। हालेलुया, और फिर जैसे कलेशिया हम लोग एक और एक कहानी सुनेगा, यहाँ पर हम लोग के बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 1 टू 19 में यहाँ पर एक कहानी मिले हम लोग के एक व्यक्ति नयमान के बारे में। हम लोग सब इस कहानी को अच्छी प्रकार से सुना है और जानता है। नयमान जो व्यक्ति था वो आराम देश के राजा के सेनापति का एक सेना था। हालेलुया, नयमान वो व्यक्ति था, एक शूरवीर व्यक्ति था, एक बलवान व्यक्ति था। हालेलुया, वो धन दौलत था उसके पास, पैसा था, सब चीज था उसके पास, और नयमान के द्वारा परमेश्वर ने आराम देश के ऊपर विजेता दिलवाया था। तो नयमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था, एक बलवान व्यक्ति था, लेकिन इस कहानी में हम लोग यहाँ पे देखता है
कि नैमान के जीवन में एक दिन एक कोढ़ की बीमारी आ जाती है, चर्म रोग की बीमारी नैमान के पूरा शरीर में आ जाता है। हालेलुया। तो नैमान क्या सोचता है कि किस प्रकार से मैं जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके इस बीमारी से मैं छुटकारा पा सकूं। हालेलुया। क्योंकि जिस कोई को भी अगर ये कोढ़ की बीमारी हो जाता है तो लोग उसे अशुद्ध के नजर से देखने लगते हैं। हालेलुया। हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति अनक्लीन है। हालेलुया। तो नैमान के रोग शरीर में ये रोग आ गया था। तो नैमान सोचता था कि किस प्रकार से मैं इस बीमारी से चंगाई पा सकूं। हालेलुया। तो नैमान के घर में एक इजरायली लड़की था जो नैमान की पत्नी की सेविका थी। उस घर में वो एक दास था। हालेलुया। तो उसने नैमान की पत्नी से कहा है कि शेमरोन के नगर में एक प्रोफेट है, एक भविष्यवक्ता है जो इस स्वामी को इस कोढ़ के बीमारी से शुद्ध कर सकता है, चंगा कर सकता है। हालेलुया। तो नैमान को यह पता चला है। तो नैमान क्या करता है, इस कोढ़ के बीमारी को लेके वो प्रोफेट, वो नबी एलाइशा के पास जाता है। हालेलुया। जब वहां पे पहुंचता है नैमान तो एलाइशा अपने घर में रहता है। एलाइशा क्या करता है, एक संदेश वाहक से ये कहकर भेजता है कि जाकर नैमान से ये कहो कि तू जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए ताकि तू इस कोढ़ की बीमारी से तू शुद्ध और चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब नैमान को यह खबर मिला तो नैमान क्या करता है, नैमान देखता है कि एलाइशा अपने घर में, लेकिन उसको यह संदेश मिला कि वह जाके उस नदी में 7 बार डुबकी लगाए। नैमान क्रोधित हो गया, नैमान के अंदर इतना गुस्सा आया क्योंकि वो सोचने लगा, उसके अंदर में शायद यह ख्याल होगा कि कम से कम एलाइशा मेरे पास आता, एलाइशा निकल कर भारे आता, एलाइशा मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे बात करता और अपने प्रभु परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता, या कम से कम एलाइशा मेरे शरीर पे अपने हाथ को फेरता और मुझे चंगा करता। हालेलुया। नैमान के अंदर में ये सोच था, ये ख्याल था कि शायद एलिशा ऐसा कर सकता था, लेकिन एलाइशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक हृदय को, हर एक मनो को आज कलेशिया जानता है कि आज तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। तो नैमान उस समय क्या करता है, नैमान बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि इससे अच्छा तो मेरे दमिश्क की जो नदियां है उस पे मैं स्नान करूं और क्यों ना चंगाई पाऊं। हालेलुया। वो कहता है कि क्यों इस यर्दन नदी में नहाने से ही मेरा कोढ़ दूर होगा, क्या ऐसा है। तो वो क्रोधित होकर वो क्या करता है, वो चला जाता है। हालेलुया। लेकिन नैमान का जो सेवक था वो अपने स्वामी से कहता है कि स्वामी अगर वो नबी ने आपको कुछ काम दिया है तो आप उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। आपको वो इससे आसान भी काम अगर कहता, कुछ भी कहता करने के लिए, तो आप जरूर करते। तो वो क्या करता, सेवक अपने नैमान से, अपने सेवक से कहता है कि आप उस नबी का आज्ञा मान लें। हालेलुया। जो कुछ भी वो कहता है आपकी भलाई के लिए ही कहता है। तो उस समय क्या होता है, कलेशिया नैमान उस सेवक की बात मान लेता। हालेलुया। वो सेवक की बात मान के वो क्या करता, उस यर्दन नदी में उतरता है और 7 बार वो डुबकी मारता है। कलेशिया ये भी एक बात है, जो प्रोफेट था एलाइशा वो केवल एक बार ही कह सकता कि नैमान एक बार ही डुबकी मारने से तेरा वो बीमार जो रोग है वो तू उस रोग से चंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कारण था। उसने कहा 7 बार तू यर्दन नदी में डुबकी मार ताकि उस रोग से तू शुद्ध होगा और चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो आज हम लोग देखता है, जब वचन हम लोग पढ़ता है, जैसे नैमान 7 बार डुबकी मार के नदी से बाहर आवे, उसका जो त्वचा है, बोले उसका जो शरीर है, एक कोमल बच्चे की तरह उसका त्वचा हो जाता, जैसे एक छोटे बच्चे के शरीर नम्र और साफ हो जाता है, उसी तरह नैमान का जो शरीर है बोले शुद्ध साफ हो गया, एक बच्चे के त्वचा के जैसा। हालेलुया। तो आज हम लोग के वचन से हम लोग ये सीखता है कि यर्दन नदी में नहाने से नैमान को चंगाई नहीं मिला। हालेलुया। उन्होंने डुबकी तो मारा, लेकिन क्या होता है, नैमान ने जब अपने आप को नम्र बनाया, दीन बनाया, उसके अंदर में एक अभिमान था। हालेलुया। एक घमंड उसके अंदर में था। हालेलुया। लेकिन जैसे नैमान ने अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को दीन बनाया, उसी समय परमेश्वर ने उसे बढ़ के छुआ और चंगा कर दिया। हालेलुया। अगर मान लो नैमान एक बार डुबकी मार के निकला होता, शायद उसका बीमारी दूर नहीं हुआ होता। दो बार डुबकी मार के निकला होता, शायद उसका रोग नहीं गया होता। 3, 4, 5, 6, 7, हालेलुया। लेकिन 7 बार डुबकी मारने के बाद नैमान का जो कोढ़ था पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया। तो आज वचन हम लोग को यही सिखाता है
कि जब हम नम्र बने, जब हम दीन बने, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा नैमान के द्वारा। नैमान करता क्या करता? केवल अपने सेवक की बात सुनता है। हालेलुया, उसकी सेवक के सलाह लेने से नैमान ने यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लिया। हालेलुया, उसने किया क्या? अपने सेवक की बात को माना। हालेलुया, तब परमेश्वर उसके जीवन में काम करा। तो आज इसी प्रकार से कलीसिया हम लोगों को भी आज यही सिखाता है, वचन से हम यही सीखते हैं कि आज हमसे बड़ा, आज हमारा सेवक आज हमसे अगर कुछ कहता है तो आज हमें उसके आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है, ना कि हम उनकी उल्लंघन करें। हालेलुया, आज हम यही सोचे कि आज हमारा सेवक कुछ भी कहता है, अच्छाई के लिए कहता है, भलाई के लिए कहता है, हालेलुया, जो उसकी नजर में अच्छा है। हालेलुया, तो आज हम लोग प्रभु की जो काम है हम लोग नर्म से करे, दीन से करे। हालेलुया, अपने आप को हम लोग नरम और दीन बना दे। हालेलुया, तब परमेश्वर हम लोग के जीवन में काम करेगा। अपने आप को दास बना दे। हालेलुया, आज हम लोग अपने आप को एक नर्म सेवक बना दे। हालेलुया, हम लोग सेवा करने लगे। हालेलुया, ना कि सेवकाई लेवे। हालेलुया, लेकिन हम लोग सेवा करें, एक सेवन बन जाए। हालेलुया, जो कोई अपने आप को नम्र बनाता है, दीन बनाता है, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। जैसे अपनी होना कहता है John 3:30 में, ही मस्ट डिक्री इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। हालेलुया, वचन ये कहता है कि वो बड़े हम लोग घटे। हालेलुया, आज हम लोग यही कहे कि परमेश्वर आप बड़े और हम लोग घटे। हालेलुया, हमेशा हम लोग अपने आप को छोटा माने। तो आज ये वचन से कलीसिया हम लोग यही सीखता है, जैसे पॉल यहाँ पे बताया है बुक ऑफ फिलिपियंस 2:3-4 में, पॉल कहता है कि परमेश्वर की तरह आज जो सोच प्रभु के अंदर है वही सोच हम लोग के अंदर में आ जाए। हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा। हालेलुया, उसने अपने आप को खाली किया। हालेलुया, एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हमारा परमेश्वर, एक महान परमेश्वर होते हुए जिसने सारे संसार को बनाया है, जिसने सब कुछ का रचना किया है, जिसके पास सब कुछ करने का अधिकार है। हालेलुया, लेकिन हमारा परमेश्वर ने अपने आप को नम्र और दीन बनाया। एक दास के रूप में उन्होंने अपने जीवन को बिताया। हालेलुया, एक जीरो, एक शून्य बना। हालेलुया, हमारा परमेश्वर लोगों के सामने एक जीरो बना, इतना छोटा हमारा परमेश्वर बना। हालेलुया, आज हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने अपनी जान को दे दिया। हालेलुया, तो कलीसिया आज हम लोग के वचन से आज हम लोग यही सीखता है कि परमेश्वर ये कहता है कि हम सब, हम जितने लोग आज प्रभु की सेवा कर रहे इस समय में, किसी भी तरह की घमंड हम लोग के अंदर में ना आ जाए, क्योंकि घमंड एक बहुत बुरी चीज है। हालेलुया, जहां पे घमंड आता है, जैसे प्राइड हम लोग के अंदर में आता है, उसी समय हम लोग डाउनफॉल हो जाए। हालेलुया, हम लोग देखता है कि लूसीफा के जीवन में भी घमंड आया था। हालेलुया, तो आज हम लोग बहुत चौकस मांगे रहे अंतिम समय में कलीसिया, आज हम लोग प्रभु की सेवा करता है किस प्रकार से आज हम लोग यीशु की सेवा करता, किस चीज की तलाश में हम लोग यीशु की सेवा करता। आज अगर हम लोग के अंदर में ये मांगे कि आज हम लोग के महिमा मिले, आज हम लोग जो कुछ करता है हम लोग के पीपल वाह वाह करे, हालेलुया, हम लोग के पीछे ठोके कि आप ये करता वो करता, लेकिन जो कुछ भी आज हम लोग करें यीशु के लिए करें। हालेलुया, यीशु के लिए करें। हर एक चीज में अगर जो कुछ भी अच्छा करता लोग कहे, हम लोग हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है, परमेश्वर ने बताया है। हालेलुया, आज हम सब सारी चीज में यीशु को महिमा लौटार के दे। तो कलीसिया आज हम सबको ये उत्साहित करें मनता आज वचन के द्वारा कि जैसे हम लोग कहानी पढ़ा है, हम लोग देखा है जगह जगह पर यीशु बताया अपने जबान से कि जो कोई अपने आप को दीन मानेगा, छोटा मानेगा, उसे ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया, तो आज हम सब मसीह में बढ़ते हैं, मसीह के काम करते हैं। आज हम सबको सीखना जरूरी है कि हम सब अपने आप को हम्बल कर दे, नरम कर दे, दीन कर दे, ताकि एक समय आएगा जब यीशु हम सबको उठा के खड़ा करेगा, जिस जगह को हम लोग सोच भी नहीं सकेगा परमेश्वर उस जगह पे हम लोग को पहुंचाएगा। हालेलुया, तो हम सब मनता आज आप सभी को धन्यवाद दे वचन के द्वारा, जैसे वचन ने आज हम सबको उत्साहित किया है, वचन ने सिखाया है कि एक एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते हम सब अपने आप को नम्र बनाए, छोटा करें यीशु के सामने। हालेलुया, किसी मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन यीशु के सामने हम सब नम्र और दीन बन जाए, ताकि प्रभु हम लोग के जीवन पे काम कर सके। हालेलुया, आज हम धन्यवाद देता है वचन से, आप सबको उत्साहित करता कि जरूर आपने कुछ ना कुछ ये वचन से सीखा हुए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
थैंक यू जीसस और माइटी गॉड, धन्यवाद यीशु हमारे प्रभु। पिता हम आपको धन्यवाद देता हमारे प्रभु, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए आपने दिया था परमेश्वर पिता, और जीवित वचन के लिए परमेश्वर, जैसे आज हमने अपने बच्चों के बीच में बांटा हमारे प्रभु। आज ये प्रार्थना करता हमारे प्रभु, ये वचन हर एक हृदय को छुए हमारे परमेश्वर पिता, हर एक मनों को तैयार करे हमारे परमेश्वर, हमारे नाथ पिता धन्यवाद देता। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तो हम लोग के साथ में था प्रभु, सिखाया बताया मदद किया पिता, हम आपको धन्यवाद देता हमारे परमेश्वर, हमारे नाथ पिता धन्यवाद देता। आपके जितने बच्चे लोग परमेश्वर ऑनलाइन ये प्रोग्राम को देख रहे प्रभु, इस समय हर एक को बढ़ के छूना हमारे परमेश्वर पिता, अपने अभिषेकता से भर देना हमारे प्रभु धन्यवाद हमारे प्रभु। आज के वचन को, इस सभा को परमेश्वर, आपके सपने बच्चे के जीवन को हमारे प्रभु, हम लोग चार के पिता इस समय आपके पवित्र और सुंदर हाथों में सौंपते हुए, सारी महिमा सारी बड़ाई प्रशंसा लोचार के पिता आप ही को देते हुए, इस प्रार्थना विनती को मैं ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मानती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ खासतौर पे इस वचन से हर एक व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा है। खासतौर पे मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बड़े ही मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग को साफ किया है, क्योंकि बुक ऑफ इज़ेकल के पुस्तक में हमें साफ कहती है कि परमेश्वर के स्वर्ग दूत या जो लुसिफर था उसके अंदर में घमंड आया और उसने उस घमंड को एक तिराई भाग के स्वर्ग दूतों के अंदर में डाल दिया। वे सब घमंडी हो गए, क्या हो गया, स्वर्ग मैला कर दिया गया, और परमेश्वर ने उस स्वर्ग को साफ किया, वो घमंडियों को उठा के कहां पे का, इस पृथ्वी पे, और वो बहुत ही शीघ्र आने वाला है पृथ्वी पे से लोगों को ले जाने के लिए। क्या वो घमंडी को ले जाएगा, कोई भी घमंडी को फिर नहीं ले जाएगा स्वर्ग जाके मैला करे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप नरम और दीन बनेंगे, वचन आपसे बात कर रही, क्योंकि रक्षा में घमंडी लोग नहीं जाएंगे। यदि आज आप मसीह है, आपके जीवन में घमंड है, घमंड निकाल दे, नरम और दीन बने, छोटा बने, सभी महिमा सभी चीज की बड़ाई प्रभु को दे, ताकि आप रक्षा नहीं मिस कर सके। हालेलुया। इस समय हम लोग टाइट्स और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु तेरी चरणों में आए हैं, तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। ऐसे समय में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी, लोगों ने अपने कमाई का दसवां हिस्सा तेरे भंडार में लेके आए हैं, और धन्यवाद देता हूँ कि तूने अपने वचनों में वादा किया है मलकाई के पुस्तक में कि तू अपने कमाई का दसवां हिस्सा मेरे भंडार में आ और लेके, और देख तू कि मैं स्वर्ग से अपरंपार आशीष की वर्षा डेलता या नहीं। इसलिए मैं तुझे प्रभु तेरा वादा को याद दिलाना चाहता हूं, इन लोगों ने जो अपने कमाई का दसवां हिस्सा को लेके आए हैं प्रभु, अपने वादा को याद करते हुए उन्हें तू इतना आशीष दे, इतना आशीष दे कि उनका कटोरा भर के उबड़ाए, उनके पास रखने की जगह ना हो। और तूने वादा किया तू उनके दुश्मनों को घुड़केगा प्रभु, तू उनके दुश्मनों को घुड़केगा और उनके जीवन में कोई भी बीमारी और रोगे ना आएगी, कोई भी महामारी नहीं आएगी, क्योंकि तूने वादा किया है। और जो उपराम दिए हैं अपने टाइट से ऊपर दिए हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूं लुका के पुस्तक में 6:38 में तूने वादा किया है, जो अपने ऑफरिंग को डालेगा प्रभु उसको तू हिला हिला के और दबा दबा के आशीष देगा, प्रेस डाउन एंड रनिंग ओवर ब्लेसिंग तू उनको देगा। प्रभु मैं दुआ करता हूं तेरा वादा पूरा हो, जिन्होंने अपने ऑफरिंग को डाला, जिन्होंने सीड बोया है प्रभु। Mark 10:29 कहता है, जो कोई भी मेरे राज के लिए कुछ भी खोएगा तो वो 100 गुना में पाएगा। इसलिए उनके जीवन में मैं 100 गुना में आशीष को क्लेम करता है, कमेंड एवरी सीड टू germinate and bring forth 100 pounds of harvest in the life of the planter. As those who have planted seed with a request, I command the seed to germinate and bring forth the fruit of the request that has been made. Prabhu ji, ye sari aashish ka phal log dekhne paaye aur we gawahi de sake tere naam ki mahima kar sake. Dhanyawad dete hue tithes offering seed sab mein tere haath mein arpan karta hu, dua karta hu prabhu tu meri agwai karna apna buddhi aur gyan se, taki bilkul imandari aur sachchai se in paise ko sahi jagah pe tere raj ke kaam ko aage badhane mein istemal kiya ja sake. Ye dua hum yesu christ ke naam se tujhse mangte hain. Amen and amen and amen. तो प्यारे लोगों, हमारी आज की जो प्रोग्राम है यहीं पे समाप्त होती है, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।